मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने जा रहे आम चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। हाफिज के संगठन जमात उद दावा ने अल्लाहू अकबर तहरीक नाम के नए दल से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरअसल इस समूह की मिली मुस्लिम लीग का राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण होना अभी बाकी है, इसलिए आम चुनाव नजदीक आने के साथ ही संगठन ने निष्क्रिय पड़ी पार्टी अल्लाहू अकबर तहरीक के जरिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह पार्टी पाकिस्तान में पंजीकृत है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने हैं और शाहिद खकान अब्बासी सरकार का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो चुका है। फिलहाल पूर्व मुख्य न्यायाधीश नसीरुल मुल्क को कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है।